फिर मेरी बेटी को टारगेट किया गया। उस गाने से शायद जो विवाद कर रहे हैं ना वो भी 2 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है ये बात भी है। क्यों यार, मत करो मुझे यार ऐसे, मत करो, एक पिता को मत उसकाओ। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखे आए होंगे और आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि खेसारी लाल की बेटी का नाम कीर्ति है और उसी के ऊपर एक गाना भी निकला है, उसी के ऊपर पूरा मीडिया न्यूज ये वो लोड़ा लोशन पूरा अभी छाया हुआ है। तो उसके ऊपर निकाला गया गाना जो कृतिया के घटा, उस सिंगर का नाम है पंकज सिंह, ठीक है पूरा अभी चर्चित में है। तो हम यही कहना चाहेंगे यार भाई लोग आपसे कि भोजपुरी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, और उसमें सभी का हक है, जितने भी भोजपुरी का गायक सिंगर ठीक है फिल्म स्टार जो भी है सभी का हक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ भी विवाद में आके ठीक है ये वो कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा आके विवाद करना ठीक है ऐसा अच्छा नहीं लगता है। आपके भी घर में बेटी बहन है, आपकी भी माँ है, प्लीज। और फैमिली के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है मान लो वो बेटी बेटी है उनकी, ठीक है सभी का बहन है सभी का बेटी है ठीक है, लेकिन उसके घर में भी होगा ना, ठीक है क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि मतलब हम वो यादव का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर मतलब सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम सभी का सपोर्ट करते हैं और सभी का गाना सुनते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये पंकज सिंह है इसका भी हम गाना सुनते हैं, ऐसा बात नहीं। टुनटुन यादव है, पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है, ये सभी का खेसारी लाल पवन सिंह का गाना आता है तो मैं एक टाइम 20 बार 30 बार एक ही गाना सुनता हूँ, पवन सिंह का खेसारी लाल यादव का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस यही कहेंगे कि यार आपस में ऐसा विवाद मत पैदा कीजिए, ठीक है क्योंकि सबसे बड़ी दुखी का बात क्या है, ठीक है आप लोग नहीं सोचते होंगे, ठीक है जितने भी स्टार लोग हैं सिंगर लोग हैं सभी लोग ये बात नहीं सोचते होंगे, क्या मालूम है आप लोग बाहर में काम करते हैं ना, इधर में हर एक मतलब स्टेट की लोग सभी जगह यहाँ रहते हैं, बहुत लोग भोजपुरी गाना समझते भी हैं, ठीक है हमारे यहाँ भी 6-7 लोग रहते हैं, ठीक है पूरा मेरे को सभी लोग पूरा ऐसे कर रहे हैं, कह रहे तुम्हारा वो भोजपुरी में ऐसा होता है वैसा होता है, तो सुन के पूरा बेजर लगता है भाई, ठीक है भले कोई मतलब नहीं है, ठीक है मान लो मैं अपना कमा रहा हूँ अपना खा रहा हूँ, लेकिन एक भोजपुरी समाज का तो हूँ ना, मैं भोजपुरी लैंग्वेज का मैं गाना सुनता हूँ, भोजपुरी लैंग्वेज है ठीक है, तो थोड़ा तो वो होता है ना अगर कोई बोलता है कि हाँ तुम्हारा है वो भोजपुरी में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसके ऊपर देखो उसके ऊपर देखो, गाना निकालो परवाह नहीं है, ठीक है गाना निकालो यार कोई सा भी गाना, हमें हम कभी अश्लील का विवाद नहीं किया है, ठीक है कि हाँ क्योंकि अश्लील का विवाद करके उस सिंगर को हमें कोई थी करेंगे, उस गाने से शायद जो विवाद कर रहे हैं ना वो भी 2 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है ये बात भी है, वो भी इसी गाने को बोल बोल के उसको वो करके उसी से 2 रुपये कमा रहे हैं, इसलिए हम विवाद नहीं करते हैं, ठीक है असली गाना को ठीक है। हाँ लेकिन किसी के टारगेट मत करो, ठीक है किसी का टारगेट करना गलत बात है, किसी के माँ बहन बेटी मतलब किसी का नाम लेके टारगेट करना ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम एक बात पंकज सिंह से कहना चाहता नहीं कि पंकज भाई हम तो और गाना सुनी ले यार, बहुत गाना सुनी ले, और हम ना चाहिए कि तोरा के कुछ ऐसा को बोली ठीक है, और मतलब हम चुप चुप रह जाए ऐसा अच्छा ना लगे, तभी ये विनती करतानी कि प्लीज ऐसा कोनो काम ना करे कि कोई त्योहार के उंगली उठाए, हम सभी के सपोर्ट करे, ऐसा बात नहीं कि मतलब यादव के खाली सपोर्ट करे ले सिंह के सपोर्ट करे, हम ना यादव वही ना सिंह वही ना रहा वो वही, ठीक है हमारा के कोनो कुछ चीज के अपना आपत्ति नहीं खे यार, ठीक है बस एक चीज के विनती बाकी प्लीज भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा गंदगी मत फैला बचा, तो इन लोग से हाथ जोड़ के विनती बा। अरे एक बात और बतावल चाहता नहीं, तो अन्य लोग आपस में ऐसा विवाद करो तड़ लड़ तड़, अगर मान लो इंडिया में कुछ हो जाए ठीक है, अगर आतंकवादी लोग घुस जाए इंडिया में तब तो वो का पूछिए ये भोजपुरी बा कि ये साउथ बा कि ये बॉलीवुड बा, कि यादव वो एक ना मारो ये सिंह वो एक ना मारो ये चमार वो एक ना मारो, का बोलेगे भाई यार। बस हम तो यही उम्मीद करो कि ऐसा ऐसा का ना करो, ताकि भोजपुरी इसी में अगर ऐसा तो लोग करवा ना तो दूसरा लोग फायदा उठाए, बाकी तो नहीं लोग के मर्जी, जय हिंद एंड जय भोजपुरी समाज। हेलो दोस्तों, आई होप कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटे में बना और आप क्लिक करके ऑल पे जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं फिर एक आगे नया वीडियो में, तब तक के लिए वाह।